सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं डेटा डॉग। आज मेरे पास दो डिवाइस है, एक है आपका जोलो एरा 3X और दूसरा है आपका कोल्ट ग्लैडिएटर। सो दोनों डिवाइस लगभग आपका सिमिलर काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ, उसके साथ साथ प्राइस टैग भी आपका ऑलमोस्ट सेम है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको इस दोनों डिवाइस का स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इस दोनों डिवाइस का आपका प्राइस और स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। अगर कोल्ट ग्लैडिएटर का देखा जाए, इसका प्राइस है 6,999 रुपीस अमेज़न में अवेलेबल है, और जोलो एरा 3X का प्राइस है आपका 7,499 रुपीस जो आपका फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। तो बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो वो लिंक इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं। स्टार्ट विद द कोल्ट ग्लैडिएटर में आपको 4000mAh का बैटरी मिलता है, 30MP का रियर कैमरा मिलता है, 8MP फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। उसके साथ साथ ये डिवाइस अब चल रहा है मीडियाटेक MT6737 प्रोसेसर में, विच इज 1.25GHz प्रोसेसर, और एंड्रॉइड नोगेट 7.0 आउट ऑफ द बॉक्स है। 3GB रैम है, 32GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है। तो ये सभी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलता है विच इज कोल्ट ग्लैडिएटर। अगर जोलो एरा 3X देखा जाए, यहाँ पर आपको मिलता है सेम 5 इंच का डिस्प्ले, क्वाड कोर प्रोसेसर है, सेम आपका मीडियाटेक MT6737 प्रोसेसर, 3000mAh का बैटरी, एंड्रॉइड नोगेट है, कैमरा 30MP रियर, 30MP फ्रंट फेसिंग कैमरा है, 3GB और 16GB रैम रोम है जो आप एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो एसडी कार्ड के द्वारा। सो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है आपका यहाँ पर आपका एकदम ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड आपका इस्तेमाल किया गया दोनों डिवाइसेस में। हालांकि कोल्ट में थोड़ा बहुत कस्टमाइज किया गया, यहाँ पर ऑनबोर्ड आपका कीज है, यहाँ पर आपका डेडिकेटेड सॉफ्ट कीज है, और उसके साथ साथ यहाँ पर 5.5 इंच का मिलता है, यहाँ पर आपको 5 इंच का मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो मैं देख लेता हूँ मल्टीटास्किंग में कोई भी एप्लीकेशन अभी है कि नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो टोटली खाली है, और मैं जल्दी से क्या करता हूँ, दोनों डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ बूटिंग टाइम कितना लगता है। सो मैं दोनों को एक बार करता हूँ रीबूट। ये रीबूट है, ये रीस्टार्ट है। 1, 2, 3, बूट। 1, 2, 3, ओके। तो जोलो ऑलरेडी आपका बूट अप यहाँ पर हो गया है, लेकिन ग्लैडिएटर अभी भी आपका चल रहा है। सो डेफिनेटली ग्लैडिएटर में आपको काफ़ी टाइम लग रहा है इनफैक्ट डिवाइस को बूट अप होने में। हालांकि ये मैंने पहले भी नोटिस किया था, जस्ट टू शो यू गाइस, दोनों का सेम प्रोसेसर, इवन सेम रैम है, स्टिल ग्लैडिएटर टेक्स ए लॉट मोर टाइम इन कम्पेयर टू जोलो एरा 3X। सो आपका दोनों डिवाइस अभी बूट अप हो गया। सो मैं ब्राउजर टेस्ट हम लोग करते हैं। सो ब्राउजर दोनों का मैंने चालू कर दिया, और दोनों में आपका अमेज़न ऑलरेडी लोडेड था। तो जैसे आपने देखा, दोनों काफ़ी फास्ट आपका लोड हो गया है विदाउट एनी इशू। तो मैं जल्दी से जाता हूँ इंडियन पेज में, और मैं देखता हूँ इंडियन पेज कितना जल्दी लोड होता है। सो ये है आपका नॉर्मल पेज, तो मैं जाता हूँ आपका डेस्कटॉप मोड पे। सो आपका नेट स्पीड दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, मुझे उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा सर, बोथ आर ऑलमोस्ट क्वाइट लाइक ए सिमिलर। सो उसके बाद हम लोग बैक में जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो चेक करेंगे विच इज द सर्विस सफर, देखते हैं ये गेम कितना जल्दी लोड करता है। तो 1, 2, 3, स्टार्ट। सो यहाँ पर भी आपका जोलो एरा 3X का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी फास्ट था। अगर दोनों देखा जाए, जोलो एरा 3X बहुत जल्दी आपका ये गेम को लोड कर लिया। सो डेफिनेटली इस मामले में भी जोलो एरा 3X थोड़ा आगे रहा इन कंपेयर टू कोल्ट ग्लैडिएटर। नेक्स्ट हम लोग जो चेक करेंगे विच इज़ नीना मार्क 2, हम लोग जल्दी से चेक करके देखते हैं नीना मार्क 2 कितना जल्दी लोड होता है और कितना जल्दी यहाँ पर परफॉर्मेंस होता है। तो मैं थोड़ा बहुत इसको घुमा लेता हूँ, आप लोगों को देखने में आसानी होगा। वही सेम है आपका, नीचे है आपका कोल्ट ग्लैडिएटर, ऊपर है आपका जोलो एरा 3X। सो मैं जल्दी से टेस्ट को रन करता हूँ। 1, 2, 3। दोनों का अगर टाइमिंग देखा जाए विच इज ऑलमोस्ट सेम है, और अगर मैं स्कोर्स देखूँ, आपका जोलो एरा 3X का आपका स्कोर है 54.3 FPS, जहाँ पर कोल्ट ग्लैडिएटर का कोड है 56.9 FPS। तो यहाँ पर आपका कोल्ट ग्लैडिएटर का स्पीड मुझे थोड़ा बेटर लगा इन कंपेयर टू जोलो एरा 3X। ये थोड़ा लाइटली फास्टर था, लेकिन वो एकदम नेग्लिजिबल है, लेकिन स्कोर के मामले भी आपका कोल्ट ग्लैडिएटर मुझे पर्सनली पसंद है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं यूट्यूब में, एक बार देखते हैं। सो यूट्यूब देखते हैं कितना जल्दी लोड होता है। नॉर्मल वाईफाई मेरा घर का कनेक्शन है। उसके बाद हम लोग सर्च करके जाते हैं डेटा डॉग यहाँ पर, जैसे आपका है।
सो जल्दी से जाते हैं डेटा डॉक में, देखिए आपका दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जोलो एरा 3X मुझे लाइटर फास्ट लगा, यहाँ पर ये वाला पेज जल्दी फास्ट लोड हुआ, तो मैं देखता हूँ ये दोनों वीडियो कितना जल्दी लोड होता है। सो दोनों में आपका अलग अलग एक्चुअली एड्स है, तो मैं दोनों को करता हूँ स्किप। सो जैसे आप देख पा रहे हो दोनों ये ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर जल्दी से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन ये सर्च रिजल्ट आपका कुछ ग्लैडिएटर में थोड़ा जल्दी आया, तो ये दोनों आपका ऑलमोस्ट सेम मुझे लगा। जहाँ तक आपका डी टू डे परफॉर्मेंस का सवाल है, जैसे आप देख पा रहे हो ये मल्टीटास्किंग के लिए या फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, अभी मैं चेक करता हूँ जितना सारा मैंने एप्लीकेशन खोला है, देखता हूँ ये 3 GB का रैम है वो लोग मैनेज कर पाए हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जो खोले थे वो जैसे मल्टी टेस्टर, देखते हैं वो एप्लीकेशन है कि नहीं। जी हाँ, एप्लीकेशन आपका मेमोरी में है। उसके बाद हम लोग खोले थे आपका क्रोम, तो देख लेते हैं आपका क्रोम ऑलरेडी है कि नहीं। जी हाँ, क्रोम भी आपका है, सो ये आपका मेमोरी में रख पाया है। द नेक्स्ट इज़ हम लोग जो खोले थे विच इज़ द सेंसर, तो देखते हैं सेंसर है कि नहीं। जी हाँ, सेंसर भी यहाँ पर आपका खुला है। तो एप्लीकेशंस आर मिनिमाइज्ड, दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबवे सफ़र, तो सबवे सफ़र भी आपका ये दोनों ही आपका मेमोरी के अंदर था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो दोनों का आपका रैम मैनेजमेंट मुझे थोड़ा बेटर लगा, सो आई थिंक दैट इज़ प्रीटी गुड थिंग इनफैक्ट। तो दोनों में आपको रैम मैनेजमेंट आपको लगभग एक ही टाइप का मिल रहा। फाइनली हम लोग आपका चेकआउट कर लेते हैं आपका कैमरा इटसेल्फ, 1, 2, 3। सो कैमरा अगर देखा जाए विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी खुला, ये थोड़ा बाद में खुला। फिर मैं थोड़ा हाथ में ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली फ्रंट फेसिंग कैमरा आने में कितना टाइम लगता है। फ्रंट फेसिंग कैमरा वुड बी लाइक 1, 2, 3। सो ये थोड़ा लैगिश है विच इज़ ए कोल्ड ग्लैडिएटर, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा फास्ट मिला। सो अगर टेस्टिंग रिपोर्ट देखा जाए बोथ द डिवाइस ऑलमोस्ट सेम, लेकिन अगर मेरा पर्सनल यूज़र एक्सपीरियंस आपका देखा जाए तो मुझे पसंद है जोलो एरा 3X, क्योंकि इसका स्पीड मुझे थोड़ा बेटर लगा इन कंपेयर टू कोल्ड ग्लैडिएटर, क्योंकि कोल्ड ग्लैडिएटर ओकेशनली बहुत ज़्यादा लैग करता है। तो गाइज ये था आपका स्पीड टेस्ट ऑफ कोल्ड ग्लैडिएटर एंड जोलो एरा 3X। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये दोनों डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानना है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा वो सभी का आंसर देना। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड ऑफ होप, टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।